आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है निष्कासित। 5 कार्यकर्ताओं को किया गया है निष्कासित। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में 5 ने किया था उपद्रव। 5 पर हिंसा कराने की साजिश रचने का है आरोप। सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को किया गया है निष्कासित। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा ने 5 लोगों को निष्कासित किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है निष्कासित, जहां 5 कार्यकर्ताओं को किया गया है निष्कासित। जहां कानपुर में 5 ने किया था उपद्रव, जिसके चलते उनको निष्कासित किया गया। 5 पर हिंसा कराने की साजिश रचने का आरोप बताया जा रहा है, जहां सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को किया गया है निष्कासित। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है इन 5 को निष्कासित, इन पर 5 कार्यकर्ताओं को किया गया है निष्कासित। इन 5 कार्यकर्ताओं में और इस खबर पर अपर पुलिस आयुक्त का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है, और इस संबंध में हमने गाड़ी जो जिस गाड़ी के को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है, और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। जा रही थी, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। सपा अध्यक्ष ने किया है निष्कासित, जहां 5 कार्यकर्ताओं को किया गया है निष्कासित। इन 5 कार्यकर्ताओं पर उपद्रव का था आरोप, जिसके चलते इनको निष्कासित किया गया है। 5 पर हिंसा कराने की साजिश रचने का आरोप है, जहां सुकांत शर्मा सुशील राजपूत को किया गया है निष्कासित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किन कारणों की वजह से इनको निष्कासित किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेट्रो को उद्घाटन को लेकर मामला सामने आया था, जिसमें कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी में आग लगा दिया था जी, जिसको चलते ही आज समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी नेतृत्व उनको 5 पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से उन 4 पर कार्रवाई की गई है। तो किन किन लोगों को निष्कासित किया गया है? इसमें निष्कासित करने वालों का सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल और सुशील राजपूत और अंकेश यादव का नाम शामिल है, इसको समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो कितने समय के लिए इनको निष्कासित किया गया है? इनको ऐसे तो बताया जा रहा है, समय की अवधि नहीं दी गई, उसके बाद इनको ये बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोप सुकांत शर्मा का मुख्य आरोप था, जिसमें सुकांत शर्मा को सबसे पहले तत्काल प्रभाव सुकांत शर्मा को निकाला, उसके बाद उन चारों को भी पार्टियों से निष्कासित किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, वन कर्मचारी संघ ने कटोरा लेकर मांगी है बीफ। 13 महीने से वेतन न मिलने पर किया कार्य बहिष्कार। कटोरा लेकर वन रेंज और अन्य लोगों से मांगी है भीख। वेतन की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर वन प्रभाग बफर जोन से जुड़ा है ये पूरा मामला।
जहां वन कर्मचारी संघ ने कटोरा लेकर मांगी है भीख। 13 महीने से वेतन न मिलने पर किया गया है कार्य बहिष्कार। कटोरा लेकर वन रेज और अन्य लोगों से मांगी है भीख, जहां वेतन की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कर्मचारियों ने कटोरा लेकर भीख मांगी है। 13 महीने से उनको नहीं मिल रही थी तनख्वाह, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की गई और उसके वन कर्मचारी संघ ने कटोरा लेकर भीख मांगी है, जिसको लेकर वो 13 महीने से वेतन न मिलने पर किया है उन्होंने कार्य का बहिष्कार और धरने पर बैठे है सभी कर्मचारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।